हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फ़ोन भी हैंग नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम आपको बताने वाले हैं तीन ऐसी बहुत ही कमाल की सेटिंग जिनको करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फ़ोन है वो कभी भी हैंग नहीं होगा। आप भी बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं और उनमें सभी करने के बाद भी आपको जो है आपका फ़ोन जो हैंग होता है और फ्रेंड्स बार बार हैंग होता है और इतना हैंग होता है कि आप उसे चला ही नहीं पाते। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, तो हमारी वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे तभी आप वो सेटिंग कर पाएंगे। ये जो तीन सेटिंग हैं वो बहुत ही कमाल की हैं और इनसे आपका फ़ोन बिल्कुल हैंग नहीं होगा, कभी भी हैंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स स्क्रीन के नीचे जो वीडियो के नीचे है इसके आपको यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको दबाकर आपको ये सब्सक्राइब कर लेना है चैनल। और फ्रेंड्स उसके बाद नोटिफिकेशन बेल दिखाई देगा, उसको भी दबा लेना है और ऑल कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा लेना है, ये नीला हो जाएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर लेना है और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी तीन सेटिंग हैं जिनको करने के बाद आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम सेटिंग बताने वाले हैं ये बहुत ही पावरफुल सेटिंग है, तो इसके लिए आपको मोबाइल की स्क्रीन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग के अंदर चले जाना है, यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे अबाउट फोन पर आपको क्लिक कर देना है। देख लीजिए यहाँ पर आपको ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है आपका सेटिंग के अंदर आने के बाद। तो यहाँ पर हमारा जो अबाउट फ़ोन है जो सबसे नीचे है इसलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर अबाउट फ़ोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बहुत सारे ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वोल्ट नंबर, यहाँ पर देख लीजिए ये जो वोल्ट नंबर है ये आपको दिखाई देगा, इस पर आपको लगातार 5-7 बार टैप करना है जब तक कि यहाँ पर देख लीजिए यू आर नाउ डेवलपर यहाँ पर लिखा दिखाई नहीं देगा, तब तक यहाँ पर आपको जल्दी 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 क्लिक करता है। तो हम एक देख लीजिए ये जो वाला ऑप्शन था जो यहाँ पर पहले नहीं था लेकिन अभी ये जो ऑप्शन है ये जो आ चुका है बिल्ड नंबर को बार बार दबाने से। तो फ्रेंड्स ये आपको ओपन कर लेना है। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन तब ऑन होंगे जब सबसे ऊपर आपको इनेबल कर लेना है ये डेवलपर ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से इनेबल होगा और इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है यहाँ से। और ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट ऊपर या नीचे भी हो सकता है आपके फ़ोन में, आपको देख लेना है। तो ये वाला ऑप्शन आपको देख लेना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा नो बैकग्राउंड प्रोसेस, ये जो वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका जो फ़ोन है इसके अंदर आपको जो बैकग्राउंड में कुछ भी प्रोसेस चल रही है वो सारी बंद हो जाएंगी और जिससे आपका जो फ़ोन है वो हैंग नहीं होगा। आपके बैकग्राउंड में अगर कोई एप्लीकेशन चल रही है या कोई भी फाइल ओपन हुई है या कुछ भी चल रहा है तो वो सारा कुछ बंद हो जाएगा, जिससे कि देख लीजिए यहाँ पर ये हो चुका है अब हमारा सेट नो बैकग्राउंड प्रोसेस। तो इस तरीके से ये जो पहली सेटिंग है वो बहुत ही कमाल की है, इसको करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फ़ोन है हैंग नहीं होगा। और जो दूसरी जो सेटिंग है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है चलिए देखते हैं। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको चले जाना है प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको तीन लाइन दिखाई देंगी लेफ्ट साइड के अंदर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑटो अपडेट ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, इनमें सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डन कर देना है। और डन करने के बाद फ्रेंड्स ये जो सेटिंग है इससे क्या होगा, जो आपके बैकग्राउंड में जो ऐप हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं और जो ऑटो अपडेट मांगते रहते हैं जो ऑटो अपडेट नहीं होंगे और जो है आपके जो इंटरनेट है वो भी खर्च नहीं होगा, बैटरी है वो भी सेविंग होगी और फ्रेंड्स जो बैकग्राउंड में जो अपडेट होते रहते हैं आपको पता भी नहीं चलता वो अपडेट नहीं होंगे, जिससे आपका फ़ोन है जो हैंग नहीं होगा। उसके बाद जो तीसरी सेटिंग है उसके लिए आपको जाना है फाइल मैनेजर के अंदर और फाइल मैनेजर के अंदर चले जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका स्टोरेज चेक करना है। ये जो सेटिंग बताने वाले हैं वो बहुत ही कमाल की है और इसको आपको विशेष कर ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही इफेक्ट करती है आपके मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम पर। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है इंटरनल स्टोरेज है वो आपका कम से कम जो है आपको भरना है, यानी कि आपको स्पेस इंटरनल स्टोरेज के अंदर रखना है और जो इंटरनल स्टोरेज का जो परसेंटेज है 80 से कम ही रखना है आपको, यानी कि 20% आपको स्पेस रखना ही रखना है जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो कम से कम हैंग हो। और फ्रेंड्स आपको जो अननेसरी ऐप है जो आपके अनुपयोगी ऐप हैं वो मोबाइल के अंदर नहीं रखने हैं।
आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और उसके बाद भी आप बहुत सारे ऐप हैं जिनको आप सभी को यूज लेते हैं, बहुत यूजफुल हैं और उनको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इससे आप कैसे आप इसे खाली रख सकते हैं 20%। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको करना क्या है, चलिए चल लेते हैं हमारी जो सेटिंग है मोबाइल की इसके अंदर चल लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ऐप्स है, यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक कर देना है। ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो ये बहुत सारे ऐप दिखाई दे रहे हैं, इनका जो है हमें ऐसा सेटिंग कर रहे हैं हम इसके अंदर कि जो ये इंटरनल स्टोरेज को नहीं घेरे, ये जो है एक्सटर्नल स्टोरेज यानी कि SD कार्ड के अंदर ही इंस्टॉल रहे हैं। यानी कि तो देख लीजिए MX प्लेयर है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला MX प्लेयर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये दिखाई दे रहा है इंटरनल स्टोरेज यूज ले रहा है। स्टोरेज के अंदर जैसे चेक करेंगे तो इस पर स्टोरेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख लीजिए चेंज का ऑप्शन दिखाई देगा। ये अब इंटरनल स्टोरेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे जो चेंज का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट नीचे जो चेंज का ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है, जो नए ऑप्शन जो ओपन होंगे जिसमें कि आपको SD कार्ड और इंटरनल स्टोरेज आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर SD कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप SD कार्ड पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए एक और नया ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये मूव करने के लिए बोल रहा है कि ये आपका जो इंटरनल स्टोरेज है उससे आपको SD कार्ड के अंदर मूव करना है। तो यहाँ पर मूव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो इंटरनल स्टोरेज से यहाँ पर ये मूव हो जाएगा SD कार्ड के अंदर। तो फ्रेंड्स इससे होगा क्या कि जो आपका इंटरनल स्टोरेज यूज ले रहा था ये ऐप, ये अभी SD कार्ड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे कि जो यूज है जो SD कार्ड के अंदर ही स्पेस को यूज लेगा और आपका इंटरनल स्टोरेज है जो आपकी रैम है वो आपको खाली आपको हो जाएगी, जिससे कि आपका जो है इंटरनल स्टोरेज खाली रहेगा तो आपका जो मोबाइल है वो कम से कम हैंग होगा। तो देख लीजिए ये प्रोसेसिंग में हो रहा है, ये 100% हो चुका है। तो देख लीजिए पहले जो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज दिखाई दे रहा था, अभी यहाँ पर जो है SD कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जो है, पहली बात तो आपको जो है अननेसरी ऐप है वो रखने ही नहीं है, और अगर आपको रखने हैं तो यहाँ से आप इस सेटिंग को ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपका इंटरनल स्टोरेज खाली रहेगा और जिससे आपका जो फ़ोन है कभी भी हैंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही सेटिंग बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही पावरफुल है, और तीनों को ही करना है जिससे कि आपका जो फ़ोन है कभी भी हैंग नहीं हो। और फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आपको इसमें फ़ायदा मिला, आपका फ़ोन अभी भी हैंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है अपने फीडबैक। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है जिससे कि आपके सभी दोस्त इस वीडियो के बारे में जान सकें और सेटिंग अपने मोबाइल में कर लें जिससे कि उनका भी फ़ोन हैंग नहीं हो।